अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 2A. ओके, द सम ऑफ टू फ्रैक्शन इज 8 होल 2 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, यानी यहाँ पर आपको क्या कह दिया गया कि द सम ऑफ टू फ्रैक्शन, किसी भी दो फ्रैक्शंस का जो सम है वो ये आ रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी दो फ्रैक्शंस को हम प्लस कर रहे हैं तो उसका जो आंसर है वो ये आ रहा है 8 होल 2 डिवाइडेड बाय 9. अब इफ़ वन ऑफ देम इज़ 3 होल 1 डिवाइडेड बाय 2, फाइंड द अदर. अब उसमें से वो कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन आपको उसकी वैल्यू बता दी गई ये है, अब दूसरी वैल्यू आपको बतानी है. ठीक है, तो आप क्या करोगे कि देखें इसमें थोड़ा सा आप समझिएगा कि अगर दो फ्रैक्शंस आपको, कोई से दो फ्रैक्शंस हैं उनका प्लस ये आ रहा है, यानी उनका सम जो है वो ये आ रहा है. ठीक है, लेकिन उसमें से एक की आपको वैल्यू बता दी गई और दूसरे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि जो गिवन वैल्यू एक फ्रैक्शन की आपको बता दी गई और जो सम आपको बता दिया गया, आप उन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास जो है वो उनमें से एक फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किस तरह से कि सम ऑफ टू फ्रैक्शंस, यानी दो फ्रैक्शंस का जो सम था वो क्या आ रहा है, आंसर उन्होंने हमें बता दिया 8 होल 2 डिवाइडेड बाय 9. उसको कन्वर्ट करेंगे तो 74 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा. अब वन फ्रैक्शन यानी कि वो जो दो फ्रैक्शन का सम ये आ रहा था, उसमें से एक फ्रैक्शन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बता दी गई, ये लिखी हुई है 3 होल 1 डिवाइडेड बाय 2. देन वी कन्वर्ट इनटू 7 डिवाइडेड बाय 2. ओके, 2 3 6, 6 में 1 ऐड करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 2, ये आपने कन्वर्ट कर लिया उसको. अब दूसरे फ्रैक्शन यानी उसमें से एक फ्रैक्शन की वैल्यू आपको बता दी गई थी, दूसरे फ्रैक्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था, देखिए मैं आपको दोबारा थोड़ा सा समझा देती हूँ. ये आपको एक फ्रैक्शन है, ये आपका दूसरा फ्रैक्शन है, इन दोनों को ऐड करें तो आपको वैल्यू क्या दे दी गई है, 8 2 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ कि उसमें से एक की वैल्यू मैंने आपको बता दी कि क्या थी, 3 होल 1 डिवाइडेड बाय 2. अब इसमें आपको जो है वो ये आंसर है. अब आपको इस दूसरे फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे कि ये इस फ्रैक्शन को वहाँ ले जाओगे, जब इस फ्रैक्शन को आप वहाँ लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो प्लस हो रहा है इसके साथ. ठीक है, और जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके पास उनमें से एक फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी. तो इसी तरीके से ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ये आपको कॉपी पे नहीं करना. अदर फ्रैक्शन की जो वैल्यू गिवन थी यानी जो आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या कि सम क्या आ रहा था, 74 डिवाइडेड बाय 9, जो कि कन्वर्टेड वैल्यू थी, माइनस जो कि एक फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पर आपने उसको कन्वर्ट किया था, तो आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 2 आ गया था, तो आपने 7 डिवाइडेड बाय 2 लिख लिया. अब आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है. 9 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 18. अब 9 2 18 होता है, तो 2 × 74 हो जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा 18, ये 2, 2 9 18 होता है, तो 9 × 7 हो जाएगा. फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है. जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, 74 2 148 माइनस 9 7 63. ठीक है, तो अब आप 148 में से 63 को माइनस कर देंगे. जब आप माइनस करोगे तो 85 डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा, जो कि इसका एलसीएम था 18. अब आपने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है. ठीक है, जब आप इनको डिवाइड करोगे, 85 को डिवाइड करोगे किससे, 18 से डिवाइड करोगे. ठीक है, तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, 4 होल 13 डिवाइडेड बाय 18. आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है, 85 यहाँ पे 18. ठीक है, तो 18 4 72, तो आपके पास यहाँ 3 यहाँ 1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 4 होल 13 डिवाइडेड बाय 18, ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब आप जो है वो इसका पार्ट बी देख लो. पार्ट बी क्या है आपके पास, पार्ट बी में आपको कहा जा रहा है, इफ़ लेंथ ऑफ आ रूम इज़ 4 होल 1 डिवाइडेड बाय 2 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज़ 3 होल 3 डिवाइडेड बाय 4 मीटर, फाइंड इट्स एरिया. अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एरिया फाइंड आउट करना है,
तो अच्छा, सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको लेंथ दे दी गई है और ब्रेथ दे दी गई है। आपको ये पता है कि आपके पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, आपको लेंथ भी बता दी गई है, ब्रेथ भी बता दी गई है। आपको दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सिंपल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करोगे। तो लेंथ ऑफ अ रूम आपके पास था तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 9 डिवाइडेड बाई 2 मीटर आ जाएगा। ब्रेथ को कन्वर्ट करोगे तो 15 डिवाइडेड बाई 4 मीटर आ जाएगा। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया ऑफ अ रूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। आपने दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आप 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 टू ज़ा 8 आ जाएगा, और 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 135 आ जाएगा, 135 डिवाइडेड बाई 8। अब आपने उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आपने रफ कॉलम में उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, आपने 135 को 8 से डिवाइड करना है तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, 16 होल 7 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर। तो आपने आंसर के साथ उसका यूनिट मेंशन करना है, स्क्वायर मीटर। ठीक है, और पार्ट सी जो है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। और किस तरह से सॉल्व करना है, पार्ट सी में आपको बताया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 37 होल 2 डिवाइडेड बाय 3। इफ़ वन ऑफ दम इज 12 होल 5 डिवाइड बाई 6, फाइंड द अदर। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि आपको दोनों फ्रैक्शंस का जो है, दोनों फ्रैक्शन जो हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। यानी कोई भी दो फ्रैक्शन है जो एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ रहा है, 37 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो वो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और उनमें से एक आपको बता दिया गया। तो आपने क्या करना है कि अब इस फ्रैक्शन को आप उधर लेकर जाओगे, आपने सबसे पहले तो इन दोनों को कन्वर्ट करना है, ये दोनों जो वैल्यूज़ गिवन है इन दोनों को कन्वर्ट करना है। फिर आपने क्या करना है कि आपको, क्योंकि आपको ये बता दिया गया कि प्रोडक्ट ये आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है कि जो एक फ्रैक्शन की वैल्यू आपको गिवन है इस ये वाला फ्रैक्शन, और जो प्रोडक्ट आपको गिवन है ये 37 होल 2 डिवाइडेड बाई 3, इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपको करना है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उनमें से जो एक फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दी है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो आपकी तो बता दीजिएगा।